एक बार आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, और जिसने कर दिया उनका सबका धन्यवाद है। मैं आज आपके सामने पनीर की सब्जी बनाने जा रही हूँ, जो एकदम देसी स्टाइल में है। उसके लिए हमें चाहिए 2 मीडियम छोटे बारीक कटे हुए प्याज, 2 टमाटर प्यूरी करी हुई, दही, खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल दही, और जीरा, दालचीनी, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, खड़े मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, और हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला आदि, और तेल। अब हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, फ्राई गरम होगी, उसमें अब तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाए, अब देखिए इसमें जीरा डालेंगे, 2 इलायची, दालचीनी, बड़ी, आप और भी खड़े मसाले डाल सकते हैं स्वाद के। अब इनको गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। देखिए तेल गरम हो गया और जीरा भी भून गया, इसमें प्याज डाल देंगे। अब इनको प्याज को एकदम पूरा ब्राउन होने देंगे। देखिए एकदम ब्राउन हो गए। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते और चलाएंगे। अब इसमें ये टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। अब इसको टमाटर की प्यूरी को पूरा पकने देते हैं, जिससे इसकी स्मेल नहीं आए। ये अच्छे से पक जाएगी तो अच्छे से खुशबू आएगी। देखिए अब ये टमाटर की प्यूरी अच्छे से पक गई है। अब इसमें ये धनिया, मिर्च, हल्दी सब मसाला डाल देते हैं। मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं, मसाला पक जाएगा। क्या आप इसको घाट कर देखते हैं, हमारा मसाला कैसे है। मैं थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसमें हम दही ऐड करेंगे धीरे धीरे। दही खट्टा नहीं लेना है, नॉर्मल वाला दही लेना है, क्योंकि हमने टमाटर की प्यूरी डाल दी वैसे ही बहुत खट्टे हो जाएंगे। इसको मिलाना है, इसमें 2 हरी मिर्च और अभी नमक डालते हैं, और इसको 10 मिनट के लिए ढक के रखते हैं। देखिए इसको अब उखाड़ के देखते हैं। वाह, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखिए हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है। अब इसमें हम पनीर, ये 200 ग्राम पनीर लिया मैंने, वो डाल देंगे। तो धीरे धीरे हाथों से चलाएंगे। अब इसको 5 मिनट और ढक के रखते हैं। देखिए अब इसको उठा के देखते हैं। वाह, हमारी सब्जी रेडी है, बन गई है।
देखिए अब ये खाने के लिए तैयार है। अब इसको हम चपाती और पराठों के साथ खा सकते हैं। धन्यवाद।